नाम लेक न्यूज में हम फिर हाजिर हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। शामली के कस्बा थाना भवन की ग्राम हर फतेहपुर की आंचल चौहान बनी डीएसपी। जैसे ही आंचल चौहान ने डीएसपी बनने का सपना पूरा किया और उसके बाद गांव में डीएसपी पद की नियुक्ति के बाद अपने गांव में लौटी आंचल चौहान का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया और पुष्प वर्षा की गई। गांव की गलियों से होते हुए आंचल चौहान ने सभी बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों और अपने भाइयों को आशीर्वाद दिया। खरड़ फतेहपुर में खुशी की लहर छा गई। आंचल चौहान का घर पर आरती कर स्वागत किया गया और मिठाइयां खिलाकर उनको बधाइयां दी गई। आंचल चौहान के पिताजी ने बताया कि मुझे गर्व है कि मेरी बेटी डीएसपी बनी। उन्होंने कहा कि हर बेटी को इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए। वहीं आंचल चौहान ने बताया कि मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे ये प्रेरणा मेरे पिताजी ने ही दी है। आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर लड़की अपना सपना पूरा करे। सबसे पहले तो आपको हमारे उल्लेख न्यूज चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। जैसे कि आज इतना खुशी का माहौल है आपके गांव में, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप हमारे यहाँ क्षेत्र अधिकारी नियुक्त होकर आई हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी मेरा डिप्टी एसपी के पद पे चयन हुआ है जी, और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे सभी को, लड़कियों को क्या संदेश देना चाहोगे? कोशिश करनी चाहिए, ये नहीं पहले ये कि होगा नहीं होगा, या लिमिटेड नहीं करना चाहिए। रिस्क भी जरूरी है लेकिन उसके साथ कोशिश, मेहनत सब जरूरी है, परसिवरेंस। अच्छा अच्छा, आपके पीछे बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ गांव में देखने में, ढोल नगाड़े बजे गांव में आए, कैसी खुशी महसूस हुई आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा, मतलब ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि इतना प्यार मिलेगा। ये था कि हाँ होगा तो अच्छा लगेगा, पर सबको सबकी ये नहीं पता था कि सब इतने खुशी में शामिल होंगे लोग, बहुत अच्छा लग रहा। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये प्रेरणा किसने दी? प्रेरणा तो मेन सोर्स पापा ही है। पापा से मिली। अच्छा, तो आज पापा भी बहुत खुश हैं, आप भी बहुत खुश हैं, धन्यवाद। हाँ जी, आपका नाम? नरेंद्र। अच्छा, आज गुड़िया यहाँ पर जो है नियुक्त होकर आई है, आपको कैसी खुशी महसूस हो रही, बताएंगे आप सभी को? ये तो जो है अनुभूति करी जाए, ऐसा व्यक्त नहीं करी जा सकती। अच्छा, काफी भीड़ थी, ढोल नगाड़े बजे हुए थे, बहुत ज्यादा खुशी का माहौल था। ये तो सभी सब लोगों का वो है। गांव में, क्षेत्र में क्या संदेश देना चाहेंगे आप बेटी के माध्यम से? संदेश तो बेटी को, मतलब विश्वास करेंगे तो बेटी का वो होगी, घर पे बैठ कर कहेंगे आएगा नहीं आएगा। हाँ। धैर्य की जरूरत है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, धैर्य का अपना जो है रखें
क्योंकि इसमें जो है पहले ग्रेजुएशन करते हैं, ये करते हैं, फिर उसके बाद तैयारी करते हैं और कोई अटेम्प्ट वैसे भी जाता है। 5-7 साल धैर्य की जरूरत होती है। हाँ, तो कामयाबी एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। कामयाबी निश्चित। धन्यवाद।